और इस वक्त एक और खबर आ रही है, जल्दी से आपको वो बता दें क्योंकि एक के बाद एक आज जानकारियां आ रही हैं। आपको बता दें, नंदीग्राम में हमले के आरोप पर चुनाव आयोग ने रिपोर्ट मांग ली है, चोट पर रिपोर्ट। ममता के पैर में चोट को लेकर इलेक्शन कमीशन ने रिपोर्ट मांगी है। ममता ने लगाया है जानबूझकर हमले का आरोप। ऐश्वर्या पालीवाल हमारी सहयोगी इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ रही है। इलेक्शन कमीशन ने फौरन इस पर एक्शन भी ले लिया है, रिपोर्ट मांगी है ऐश्वर्या। जी, इलेक्शन कमीशन ने इस समय एक रिपोर्ट मांगी है और कमीशन इंतजार भी कर रहा है कि एक फॉर्मल कंप्लेन दर्ज करी जाए या तो ममता बनर्जी द्वारा या उनकी पार्टी द्वारा। अगर इस चीज की कंप्लेन ईसीआई तक पहुंचती है तो उसके बाद चीफ सेक्रेटरी को एक फॉर्मल लेटर भेजा जाएगा, लेकिन इस समय ईसीआई ने इनफॉर्मली ये जरूर कहा है कि वो जानना चाहेंगे कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। मैं आपको बता दूं, वेस्ट बंगाल से हर रोज खबरें बन बन के ईसीआई तक पहुंचती हैं, हर रोज रिपोर्ट दी जाती है किस तरीके का वायलेंस हो रहा है, किस तरीके का सिक्योरिटी का डिप्लॉयमेंट है। ये खबर हर 24 घंटे में इलेक्शन कमीशन को दी जा रही है और आज का जो वाक्य हुआ है इसको मद्देनजर रखते हुए इलेक्शन कमीशन चाह रहा है कि ये रिपोर्ट भी उन तक दी जाए कि ये हादसा हुआ कैसे और आगे की कार्रवाई क्या करनी होगी, ये इलेक्शन कमीशन अब देखेगा। हमने देखा किस तरीके से ममता बनर्जी ने भी ये बयान दिया है कि उनको लगता है कि ये सब कुछ जानबूझ के किया गया है और उनका कहना है कि उनके पैर में बहुत चोट लगी है। धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए ऐश्वर्या। इस बीच आपको बता दें एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, टीएमसी के सांसद सुखेंदु का बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि गाड़ी में धक्का लगने की वजह से चार लोगों ने धक्का दिया। शाम 6:15 की घटना इसे बताई गई है, कुछ लोगों ने ममता को धक्का दिया और फिर जो चोट लगी सीधे पैर में लगी। कार में धक्का देने के बाद दरवाजा जोर से बंद किया गया जिसकी वजह से उनके पैर में चोट लगी है। ममता बनर्जी के पैर में चोट और सूजन है, ये पहली बार औपचारिक रूप से घटनाक्रम पर टीएमसी के सांसद का बयान आया है। संबित पात्रा, मनोजीत मंडल दोनों इस वक्त आज तक पर हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं इसी खबर पर।